नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रिफ का जो है इवेंट चल रहा है, यानी एक उत्सव चल रहा है रिफ 2021। ये इस जो इवेंट है इसमें फिल्म फेस्टिवल जो है वो चल रहा है, इसमें काफ़ी सारी फिल्मों को जो है वो दिखाया जा रहा है। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत मेहनत करी है और आज जोधपुर में पहली बार जो है ये इवेंट हो रहा है। 7th एडिशन जो है रिफ का यहाँ आज ऑर्गेनाइज हो रहा है और पिछले 3-4 दिनों से ये इवेंट चल रहा है, यानी 20, 21, 22, 23, 24 आज क्लोजिंग सेरेमनी है, 24 क्लोजिंग सेरेमनी है। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं उन कलाकारों से, उन डायरेक्टर से और रिफ के जो है ऑर्गेनाइजर से। सुमेंद्र हर्ष और अंशु हर्ष ने जो है ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और चेहरों पे मुस्कान जो है कलाकारों के जो है वो साफ नज़र आती है। काफ़ी सारी फिल्में, हर भाषा की फिल्में यहाँ दिखाई गई हैं, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मराठी फिल्मों की है और साउथ की भी काफ़ी मूवीज़ जो है इसमें दिखाई गई है, शॉर्ट मूवी से लेकर के और बड़ी मूवी जो है इसका काफ़ी सारी मूवीज जो इसमें दिखाई गई है। और जोधपुर के लिए बड़ी बात है कि ये फिल्म फेस्टिवल जो है यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। मिराज बायोस्कोप में मैं खड़ा हूँ, आइए आपको लेके चलते हैं और मिलवाते हैं उन कलाकारों से और जो फिल्म के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे। यहाँ पे यशपाल शर्मा और दिलीप सेन जो है वो भी आए हुए हैं, यानी बॉलीवुड की हस्तियाँ भी इस फिल्म फेस्टिवल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है जोधपुर में चल रहा है बायोस्कोप सिनेमा हॉल के अंदर, मिराज बायोस्कोप के अंदर, और लगातार यहाँ पे जो है कलाकारों का आना और पूरे विश्व से के पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कई कलाकार आ रहे हैं और एक अच्छा एक माहौल बना हुआ है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो हैं ऑर्गेनाइजर जो हैं सुंदर जी हर्ष जी मेरे साथ में, सर पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, काफ़ी सारे कलाकारों के चेहरों पर मुस्कान दिख रही है, एक मंच मिला है लोगों को अपनी फिल्में देखने का और जोधपुर की जनता भी बड़ी खुश है। सर पूरा इवेंट के बारे में और इस फेस्टिवल को जो हम 7th एडिशन जो अभी आगे कर रहे हैं वो हम जोधपुर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल से जो ये फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में आयोजित हो रहा है, इसको हमने जब ट्रैवल करने का सोचा है तो सबसे पहले हमने इसको जोधपुर में काम किया है। जोधपुर में ही 5 दिन का फिल्म फेस्टिवल जो हमने काम किया था वो ओपनिंग सेरेमनी जोधपुर में करने के बाद 4 दिन हो गए यहाँ फिल्म टॉक शो, जिसमें कि शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एनिमेशन फिल्म, रीजनल फिल्म और राजस्थानी फिल्म और राजस्थानी फिल्म मेकर, और मुझे बहुत पसंद आता है और गर्व महसूस होता है कि 6 से ज़्यादा जोधपुर के फिल्म मेकर्स पिछले साल में 2 या 3 फिल्म मेकर जयपुर आए थे जोधपुर से, तो मुझे लगा था कि नहीं ये क्वान्टिटी बढ़ सकती है, क्वालिटी के साथ क्वान्टिटी को बढ़ाना एक साल में बहुत ही अच्छा है, या 6 फिल्म आई है हो सकता है ये फिगर और भी नेक्स्ट ईयर बढ़ता है। तो मैं अपने जोधपुर वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी फिल्में आप बनाते हैं आप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबमिट कीजिए, ये फिल्में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसका जगह मिला है, ये फिल्में ट्रैवल करके दूसरे फिल्म फेस्टिवल, इसके बाद आपको बैंगलोर, केरला और हलवा फिल्म फेस्टिवल में जाने का मौका मिलता है और आपको एक फिल्म मेकर से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ पे और भी आप देख रहे हैं अमित चंदा, अनिल पाजी की फिल्में चली है, जो संगीत डायरेक्टर है वो यहाँ पे आए हैं, बहुत से फिल्म मेकर्स हैं यहाँ पे जिनसे यहाँ के फिल्म मेकर को मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ और आगे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर सकते। फ्रांस इस बार हमारा फोकस करती है, फ्रेंच फिल्म मेकर यहाँ है, वो प्लान कर रहे को प्रोडक्शन, आप अपने यहाँ के फिल्म मेकर के साथ मिलकर वो को प्रोडक्शन की फिल्म बनाना चाहते हैं। तो ये इस तरह से जो 4 दिन का जो मेला है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे आपको हर तरह की फिल्में दिखाई देंगी। मेनली सर यहाँ पे भी काफ़ी हस्तियाँ भी आई हैं, हालांकि कोरोना के हिसाब से काफ़ी लोग बिजी थे और नहीं आ पाए, मेन ट्रेवल में कौन कौन सी हस्तियाँ यहाँ पे इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई हैं? इस बार जो हमारे स्पेशल अवार्ड्स होते हैं जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो इस बार हम हमारी टीम म्यूजिक इन सिनेमा को मिले और अपने राजस्थान के हैं दिलीप सेन जो कि राजस्थान को करते हैं उनको हम आज सम्मानित कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड है वो हम पियरी फिल्मों को देख रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच फिल्म है जिनकी फिल्म हमारी थी और अकेडमी अवार्ड के अंदर भी उनका बेस्ट एक्टर कैटेगरी के अंदर उस फिल्म को सम्मानित किया, उसमें 4 दिन जोधपुर में है। यहाँ पे और भी बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं जैसे प्राइड ऑफ राजस्थान है, जो हम अवार्ड उन लोगों को देते हैं जो कि राजस्थान जिनकी जगह अपने राजस्थान से जुड़ी है और जो बॉम्बे और बॉलीवुड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ओम चढ़ानी है, उनकी फिल्म मराठी फिल्म प्रवास जो कि रेड कार्पेट उनकी भगवान देंगे, और महात्मा गांधी अवार्ड
वर्ल्ड में फिल्मों की बात, तो ये बहुत अपने जोधपुर के लिए गर्व की बात है। ऐसे फिल्म मेकर हैं जो राजस्थान जोधपुर में फिल्म मेकर हैं, जो अपना नाम नेशनल से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हैं, उनको हम अवार्ड करते हैं। अनूप जलोटा की फिल्म है सत्य साई बाबा, जिसमें उन्होंने अलग एक्टर के रूप में आए भजन चंदा के साथ, उनकी प्रेजेंस यहाँ पर थी। बहुत से ऐसे मराठी फिल्म मेकर्स हैं जो नेशनल अवार्ड एक्टर्स हैं, उनकी भी यहाँ पे फिल्में ऑलरेडी होते हैं। यशपाल शर्मा जी बड़े एक्टर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है, और जो गंगा जाए बड़ी बड़ी फिल्मों में, उन्होंने भी काफ़ी अपने कमेंट्स दिए इस फिल्म के बारे में। मैं जरूर उस फिल्म के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंस का ऐसा था कि ये जो थी म्यूजिकल सिनेमा थी, और यशपाल जी की फिल्म जस्ट 5 दिन पहले 7 दिन पहले तैयार हुई, और ये फिल्म वर्ल्ड प्रीमियर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और जोधपुर के लिए अपने को गर्व महसूस होता है कि किस तरह की फिल्म जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है वो यहाँ पर प्रदर्शित हुई है, जबकि हरियाणा दिल्ली हर जगह से फिल्म लेकर आज जोधपुर आया था उस फिल्म को देखने के लिए। और ये फिल्म मेरी जो थीम है लखनी चंद, जो म्यूजिकल जर्नी एक बायोग्राफी है, उसके ऊपर ये फिल्म बनी है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हाउसफुल की फिल्म, और ये फिल्म आगे भी अनेक फेस्टिवल और नेशनल अवार्ड के लिए जा चुकी है। तो यशपाल शर्मा की प्रेजेंस है, और यशपाल का एक बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि वो पिछले 4-5 सालों से फिल्म फेस्टिवल में आते हैं, उससे पहले भी उनकी फिल्में फिल्म फेस्टिवल आई है, और जो हमारे पैटर्न के ओमपुरी जी के शादी के लिए हमने 6 साल पहले ये फेस्टिवल शुरू किया था, उनके लिए 8 साल के बाद एक कॉमन मैन सिनेमा अवार्ड मिला है, जो कि इससे पहले अनिल कुमार देवन, अनूप सोनी, उनको हमने समझ में किया। इस बार हमारी टीम ने डिसाइड किया है कॉमन मैन सिनेमा अवार्ड हम यशपाल शर्मा को मिला, ये भी एक स्पेशल अवार्ड है जो कि आज एक अवार्ड मिला है। मेहरानगढ़ शाम को 6:30 बजे एक अवार्ड में आयोजित की जाएगी, और उसमें हम ये स्पेशल अवार्ड के साथ साथ पिछले 5 दिन में जो भी फिल्में प्रदर्शित हुई है उन सभी को जीवन में अब उस अवार्ड कैटेगरी में दिया है, जो इवनिंग रंगारंग कार्यक्रम कल्चर प्रोग्राम के साथ वो सभी आज अवार्ड दिए जाएंगे। पूरा जो आप देखें लोगों के चेहरों पे मुस्कान, दर्शकों के चेहरों पे मुस्कान, जो डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर या कलाकारों के चेहरों पे मुस्कान अभी नजर आई है, और जोधपुर के लिए गर्व की बात है, आज यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं ऐसी मुस्कान सबके चेहरे पर? बड़े पर्दे से प्रदर्शित करें, उनकी बात एक हमारा क्वेश्चन आंसर से सकता है, तो उनकी आँखों पे, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, उन्हें उन्हें इतने बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करें, तो उनकी दुआएं, उनकी जो ब्लेसिंग, उनकी खुशी देख के जो मुझे महसूस हो रहा है, ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया है, ये बहुत ही अच्छा है, फीडबैक मिलेगा कि हम इस फेस्टिवल में जाएंगे, कि हर साल जोधपुर की धरती पर लेके आए, यहाँ के फिल्म मेकर्स को मौका मिले, और ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ के कलाकार हैं, उनको सहन मिले, और उन्हें सब राष्ट्रीय लेवल पर शांति मिले, इसके लिए जो गेम है ये राजधानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। मांग उठ रही है कोटा से उदयपुर तक, सर हमारे लिए भी कुछ करें तो क्या कहना है? जी मैं पूरा डिजिटल और डिजिटल के साथ चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट 2-3 साल का यही मैंने काम किया था कि जब भी फेस्टिवल में ट्रैवल करूँ एटलीस्ट जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फिल्में प्रदर्शित होती है, क्योंकि हमारा मेन एम है फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल करना, को प्रोडक्शन करना, और वो आगे का जो शूटिंग लोकेशन है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि जोधपुर के साथ साथ उदयपुर भी एक ऐसी जगह है, जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड और वेब सीरीज अभी सबसे ज़्यादा शूटिंग हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट 2-3 साल का जो मैंने प्लान किया है कि मैं जोधपुर के साथ में उदयपुर और जैसलमेर में भी इसका प्लान करूँ, जिससे कि इन तीनों शहरों को शूटिंग लोकेशन को भी हम इसका फायदा ले सकें, और जरूर हम चाहेंगे कोटा मतलब राजस्थान के ऐसे ऐसे शहरों तक हम पहुँचे। अब देखिए इस बार हमने किया है सिनेमा हॉल में, फेस्टिवल सिनेमा हॉल तक नहीं पहुँच पाता है, इस बार हमने 2 सिनेमा हॉल ऐसे हमारे जो ट्रक के अंदर कंटेनर के अंदर सिनेमा हॉल में पहुँचा है, ये सिनेमा इस बार हम पूरे राजस्थान जयपुर से अजमेर पुष्कर जोधपुर और इसके 50-60 किलोमीटर तक हमने ट्रैवल किया है। जब हमारा फेस्टिवल उदयपुर कोटा में होगा तो जो आप बात कर रहे हैं फेस्टिवल के पहले वो ही सिनेमा उन कंटेनर के थ्रू उन गांवों तक पहुँचेगा,
तो आप देख रहे हैं कि फेस्टिवल सिर्फ एक बड़े सिनेमा हॉल तक नहीं रह गया, हमने दो सिनेमा हॉल ऐसे तैयार किए हैं जो कि गाँव में जारी है और वहाँ पर भी दर्शक निःशुल्क इन फिल्मों का देख रहे हैं। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, लाइज हमारे चलते चलते दर्शक हमारे और सब लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, जो मैसेज आप देना चाहेंगे अबाउट पॉजिटिविटी ऑफ द रे फिल्म आगे जो मैसेज? देखिए जब भी कभी कोई फिल्म बनाता है तो उसको एक सबसे बड़ी मुहिम होती है कि उसकी फिल्म सिनेमा उसको एक जगह मिले और उसके साथ साथ सिनेमा और सारे दर्शक उसको मिले। मैं अपने दर्शकों को सभी दर्शकों से कि जब भी अच्छा सिनेमा किसी सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होता है या सिनेमा हमारे फिल्म फेस्टिवल में आपको आता है, प्लीज़ आप समय निकाल कर उस फिल्म को देखिए, उन कलाकारों को प्रोत्साहित कीजिए, उनसे जानिए कि उन्होंने किस सिचुएशन में फिल्म बनाई है, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, वो अच्छा कंटेंट बनाएंगे और अपने तो दर्शकों को मैं थोड़ा सा ही कहता हूँ कि आप मोबाइल पे और जो कंटेंट जो इतना अच्छा बन रहा है उसको आप देखिए और उनको देखिए। जैसा सर ने कहा कि अभी प्लेटफॉर्म दिया गया राजस्थान का जो फिल्म फेस्टिवल पॉजिटिवली संचार हुआ है, दर्शक का भी कहता है, इवेंट जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है और लगातार भीड़ यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। धन्यवाद सर आपका, और मैं मैम के पास एक बार आना चाहूँगा, मैम काफ़ी बिजी है। हम राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसा कि क्या आपको ओवरऑल इस जो आयोजन के सबसे क्या चीज़ जो है आपको जो है वो अपनी एक मेमोरी में आपके जी, हर से हमने काफ़ी डिटेल में बात करी आपसे कुछ और, आज जो 24 तारीख का इवेंट हुआ गाँव में कोर्ट में उसके बारे में पूरा मैम, ये जो भी फेस्टिवल होना है हमारे चीज़ों से मेमोरी है जो आपको यहाँ के लिए आपको अच्छी काफ़ी सारे लोग आए बड़े बड़े यहाँ पर इस्तेमाल छपाई है, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे खबरों का और इंटरव्यू का सिलसिला यही चल रहेगा। आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।